मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यहां के गांव ढाडोत के अंदर संदीप सिंह एसडीएम का जोरदार स्वागत इस गांव में किया गया है। हमने 25 साल हो गई सेवा देते देते इन कोठी के ऊपर, कभी भी गया आदर सम्मान बिल्कुल मिला। एक बार सेवा का मौका जनता से मैं ये चाहती हूं कि मेरा भाई संदीप एसडीएम एमएलए बने। क्या माने, ये चल क्या रहा, ये इतनी दीवानगी, इतना प्रेम, इतना अपनापन कैसे? देखिए आप देख रहे हैं इतना अपनापन, जो इतना सब कुछ है, ये सब कुछ तपस्या का रिजल्ट है। सबको पता है जो हमने भीषण प्रतिज्ञा कर रखी है शादी ना करने की, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने की, इसलिए माता बहनें सब हमारे साथ हैं। अपना अपना होता है, पराया एक सपना होता है, रात को आता और सुबह चला जाता है। असली जीत ये है, एक दिन ऐसा होगा इस पे रिसर्च होगा और इस पे बुक्स लिखी जाएंगी कि कैसे जीत हुई है ये। कई बार वोट डाले, कई नेताओं को बनाया, कई नेताओं को देखा भी, कई सरकारें देखी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार हमारे संदीप सिंह आएंगे, इस बार महेंद्रगढ़ की सरकार, महेंद्रगढ़ की सरकार बदल गई। गैलडीवर भी जीत की काट दिया सौरत, हम तो कट जाए संदीप ने, हम तो कट जाए आगा जगह के छाला न राख दियो पि ना टुड़ावन से भेज जो तो जीत जिताए के मरून न कसर काट दी। तो इब कभी कसर नहीं निकड़े सौरत है, किमी बिना निकड़े इब के पार से। एक बात बतावा, महेंद्रगढ़ से सबसे तो टॉप में रहेगा या सीट महेंद्रगढ़ के न्यू गाऊंगा आखिर भाई महेंद्रगढ़ तय संदीप इतना वोटा थे जीत। नेता टिकट कटने के बाद रो रहे हैं, आपने टिकटें सारी छोड़ दी हाथ में आई। बिल्कुल, यही तो डिफरेंस है मतलब पॉलिटिशियंस में और लीडर में। वो पॉलिटिशियन थे इसे रो रहे हैं, वो हम लीडर हैं तो हमने पब्लिक की बात मानी, हमने पब्लिक ने जो कहा कि हमें जनता के टिकट मिल चुकी है वही हमने सबको कहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉमिनेशन भरने से 15 मिनट पहले भी बस कॉल आया था टिकट के लिए, लेकिन हमने एक ही बात कही, हमें टिकट जनता दे चुकी है। सर जी चार पे दिखा गए, ये दो नेता चार पे दिखा गए हमारी, एक मतलब सूर्य की किरण अब पड़ी है, नजर आई है, हम तो और हमारा गांव संदीप के साथ एक तरफा खड़े हैं और एक को तो कानून ने टेक दिया, एक को हम टेकेंगे। संदीप सिंह एसडीएम विधानसभा में सबसे ज्यादा लीड करके विधानसभा में जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि ये डिप्टी सीएम बनेंगे, इनके बिना सरकार नहीं बन सकती, ये भी हमारा वादा है। सबको पता है हमारे परिवार का कुछ नहीं चाहिए संदीप सिंह को, केवल और केवल हमें अपने परिवार का प्यार है जो हमें मिल रहा है लगातार। अब की बार जनता की सरकार, जनता की सरकार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में और यहां के गांव ढाडोत के अंदर संदीप सिंह एसडीएम का जोरदार स्वागत इस गांव में किया गया है। और कहना की तस्वीरें दिखा दीजिए विनय सिंधु कहूंगा, संदीप सिंह एसडीएम के कार्यक्रम के लिए लोग जो है तरस रहे थे एक दीदार के लिए और पूरा गाँव जो है आज चौक के अंदर मौजूद है, यानी कि दोपहर का समय सिकर दोपहरी में भी लोग घर छोड़कर संदीप सिंह एसडीएम के लिए गाँव के चौक में बैठे हैं पेड़ों की छाँव में। एक घंटा लेट संदीप सिंह पहुंचे लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहां से टस से मस नहीं हुए, साथ ही महिलाओं की संख्या देखेंगे तो वो भी काबिले तारीफ है। संदीप सिंह से बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से ढाडोत गांव में आज महिलाओं का समर्थन देखने को मिला, ये जो संख्या है ये क्या कह रही है, क्या इशारा कर रही है। संदीप सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये कोई छोटी जनसभा नहीं थी, तो मैं देख रहा हूँ रैली थी, ये तो एक मतलब पूरी बड़ी रैली जिसमें पूरा का पूरा गाँव ढाडोत, मेरा पूरा परिवार आया हुआ था। आप देख रहे हैं इतनी माताएं बहनें आई हुई हैं, अपना सारा काम छोड़ के, इसमें खाने का काम होता है और अन्य काम होते हैं और सारे प्रभुजन आए हुए हैं। ये दिखाता है, क्लियर इंडिकेशन है ये कि आपकी महेंद्रगढ़ की एक बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। संदीप सिंह क्या कहेंगे जो माताएं बहनें आपके साथ हैं? देखिए सभी माताएं बहनें एक ही बात बोल रही हैं कि हम आपके साथ हैं और हम सच्चाई का साथ दे रही हैं, ईमानदारी का साथ दे रही हैं और साथ साथ नेक नीति का साथ दे रही हैं। कि हमें इन्होंने इतनी साल सेवा का मौका दिया, हम भी इनको सेवा का मौका दें, जनता मिलजुल कर
क्यों हम भी सेवा का मौका एक बार तो जरूर दें इनको। हमने 25 साल हो गई सेवा देते देते इन कोठी के ऊपर, कभी भी गए आदर सम्मान बिल्कुल मिला। एक बार सेवा का मौका जनता से मैं ये चाहती हूँ कि मेरा भाई संदीप एसडीएम एमएलए बने है और मंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का पूरा विकास हो, महिलाओं में जागृति आई, महिलाओं में पिछड़ापन है, महिलाएं गिरी हुई, महिलाओं को किसी चीज का नॉलेज नहीं है, ये शिक्षा के मामले में बिल्कुल आगे हैं। हम हमारे मंदरगढ़ जिले में शिक्षा को ऊंचा उठाना चाहते हैं भैया, और ये शिक्षा के मामले में, उन्नति के मामले में, विकास के मामले में और महिलाओं को जागृत के मामले में, महिला अभियान के बारे में ये बहुत ऊंचा उठाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा नेताओं में संदीप सिंह में क्या फर्क लगा? बिल्कुल फर्क है, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उन्नति के क्षेत्र में और प्रोग्रेस के क्षेत्र में और भाईचारे के क्षेत्र में सब कुछ बिल्कुल अंतर है इन नेताओं और इसमें। वो है बीच में ये कहेंगे और नेता कि हम इनको जानते नहीं है, इनके पास न जानने वाले भी जाएगा उसको ये कहेंगे बहन जी मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, इनसे हमें आदर सम्मान मिला, उषा आदर सम्मान में किसी नेता से भी नहीं मिला। अच्छा ताई जी, से नहीं मिला, हमसे बात भी नहीं करते कोई नेता, हमारा भाई नहीं पूरा संदीप की जीत मंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जीत होगी। को था कि जीता दियो, जीता दियो, जीत गयो समझ ले, बिना चुनाव के, चुनाव बने पहले जीता दियो, कती मोहर लगा दी, हम लगा दी पक्की पक्की मोहर, पक्की ले पक्की। ओम सिंह जी, आप अक्सर कहते हो अब की बार संदीप सिंह पार, जनता कहती है क्या माने, ये चल क्या रहा, ये इतनी दीवानगी, इतना प्रेम, इतना अपनापन कैसे? देखिए आप देख रहे हैं इतना जो इतना अपनापन, जो इतना सब कुछ है, ये सब कुछ तपस्या का रिजल्ट है। सबको पता है जो हमने भीषम प्रतिज्ञा कर रखी है शादी ना करने की, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलने की, इसलिए माता बहनें सब हमारे साथ हैं। संदीप सिंह जी, ये राज क्या है? ये राज उन नेताओं को बता दीजिए ताकि कुछ भीड़ जुटा पाए, जहाँ जाते हो पूरा गांव झुक जाता आपके कार्यक्रम में, हर घर खाली हो जाता है, लोग चौक में पहुंच जाते हैं संदीप सिंह को सुनने के लिए, संदीप सिंह आ गए, संदीप सिंह आ गए, चलो सुनेंगे क्या कहेंगे, ये क्या राज है, क्या जादू की बुट्टी पिला रहे हो लोग? अपना अपना होता है, पराया एक सपना होता है, रात को आता है और सुबह चला जाता है, ये संकेत है इस संदीप एसडीएम गुट्टी पिला रहा है। संदीप सर गुट्टी नहीं पिला रहा, इनका काम गुट्टी पिला रहा है। दिव्यांग है, इनको भी पता संदीप सिंह जीतेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ये कोई गुड़गांव की भीड़ नहीं है, ये कोई राजस्थान की भीड़ नहीं है, ये हमारे ढाडोत के बुजुर्गवार हैं, माताएं बहनें हैं, प्रतिष्ठित जन हैं, ये सब लोकल लोग हैं और सब अपना काम छोड़ के आए हुए हैं। इसको कहते हैं कि असली जीत ये है, एक दिन ऐसा होगा इस पर रिसर्च होगा और इस पर बुक्स लिखी जाएंगी कि कैसे जीत हुई है ये। और इतना प्यार है और नेता तरसते हैं इस प्यार के लिए। नेता विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, 5 साल सत्ता में रहते कुर्सी पे, फिर वापस 5 साल बाद आ जाएंगे, लेकिन ये प्यार नहीं मिल पाता। बनावटी चीजें सबकी चलती हैं, लेकिन जो अपना अपन दिल से प्यार आता है वो किसी के साथ देखने को नहीं मिलता। ये जो प्यार मिल रहा है क्या माने, ये चुनाव से बढ़ के है, राजनीति से बढ़ के है? देखिए ये हर चीज से ऊपर उठ के है। आप देख रहे हैं हम राजनीति में आए हैं तो हम राजनीति को क्लीन करने के लिए आए हैं, नहीं तो आप देखिए जो हमारी पोस्ट थी, मेरे साथ वाले सब डीसी हैं, मुझे बड़ा इजी था, नहीं सब कुछ तपस्या जब सब कुछ कर रहे हैं, हमारे पूरा परिवार देख रहा है, ये हर चीज़ ऊपर उठ के है। देखिए असली जीत यही है जो माता बहनों का इतना अपनापन मिल रहा है, इससे बड़ी जीत क्या होगी आदमी की? संदीप सिंह जी क्या कहेंगे, अब भरोसा कैसे करे जनता, क्योंकि 45 सालों से दो नेताओं पर बार बार भरोसा किया, कभी उस पर कभी उस पर, भरोसा टूटा, भरोसा बना नहीं, मजबूत नहीं हुआ, अब आप पर जनता कैसे भरोसा करे? ढाडोत गांव में मौजूद हैं आप, आपने अपनी बातें रखी, अब जनता कैसे माने कि संदीप सिंह उन नेताओं की तरह नहीं निकले? देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमने जो 24 साल यहाँ पे तपस्या की, एज एसडीएम रह के हमने काम किया और एसडीएम के दफ्तर खुले छोड़ दिए हमने कि कोई आओ कभी काम कराओ कैसे भी आओ, और हमारी कंडीशन होती थी प्रिंस जी सबसे पहले चाय बिस्किट उसके बाद काम, पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा एसडीएम ऑफिस था जहाँ पे चाय बिस्किट सर्व होते थे फिर काम किया जाता था। लेकिन संदीप सिंह जी आपके जाने के बाद वो दरवाजे जो एसडीएम ऑफिस के फिर बंद हो गए। देखिए अब जल्दी ही दोबारा से खुल जाएंगे सब दरवाजे, मेहंदगढ़ विकास के दरवाजे खुल जाएंगे अब। वाह जी वाह, संदीप सिंह जी हमारे साथ खास बातचीत में हैं और ये पूरे जो है ढाडोत की सरदारी मौजूद है, महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं और पुरुषों ने भी कसर नहीं छोड़ी। बाबा क्या कहेंगे, आपके बीच में आपका बेटा खड़ा है, ये
भारी बहुमत से जीतेंगे और महेंद्रगढ़ का पूरा विकास करेंगे। इन जैसा ईमानदार महापुरुष अभी तक विधायक के चुनाव में खड़ा नहीं हुआ है, इस बार ये अवश्य जीतेंगे। पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा। उम्र कितनी हो गया? मेरी 74 साल। 74 साल उम्र होगी। कई बार वोट डाले, कई नेताओं को बनाया, कई नेताओं को देखा भी, कई सरकारें देखी, इस बार क्या लग रहा है? इस बार हमारे संदीप सिंह आएंगे। इस बार महेंद्रगढ़ की सरकार? महेंद्रगढ़ की सरकार बदल गई। जी क्या नाम आप? सुलोचना। क्या कहोगे संदीप सिंह आपके बीच में विचार सुने, कैसे लगे? अच्छे लगे। लगता है कि काम करवाएंगे या फिर उन नेताओं की तरह? हम तो एसडीएम के साथ ही था और साथ ही रहेंगे, इसी को जिताएंगे। अच्छा, पिछली बार भी इनके साथ? हाँ, मैं परवेश की मम्मी हूँ जी। अच्छा, ये कहते हैं कि पिछली बार कह रहे थे कि 5000 वोट आएंगे, 34000 वोट आए, इस बार क्या लगता है? इनके तो बहुत ज्यादा वोट आएंगे, यही जीतेंगे। गल की और गाँव से जीत के निकले थे पिछली बार? निकले थे। हाँ, मेरा नाम किरण है जी, और पिछली बार जीत के निकले थे जी, और इसके साथ धोखाधड़ी हो गया जी। तो हमने जिता कर भेजा है इन्होंने, और इनके उन से भी ज्यादा वोटों जिता कर भेजेंगे, वादा हमारा जी। तो क्या लग रहा है महेंद्रगढ़ में, क्या लग रहा है? महेंद्रगढ़ को विकास था, वहाँ सा कौन करेगा? संदीप करेगा, और कौन? कोई नहीं। ये लुटेरा तो के नाम साहब अपनी झंडी पैटरी रोन लग रहा, तो मार रहा जी भाई। हाँ, और कोई नहीं जो तो सुबह हम तो करेंगे संदीप की। संदीप की? हाँ बिल्कुल। गलडी पर भी जीत की काट दिया सूरत? हम तो कट जाए संदीप ने, हम तो कट जो आगा जब पिछड़ा ना राख दियो ना चुड़ाला तो भेजो सब जीत जिताए के मरून ना कसर काट दी। इनका भी कसर नहीं निकले उरत है? किमी भी ना निकले इनके पार से, सारी काट जाएगा कसर, सारी कसर काट जाएगा। एक बात बतावा, महेंद्रगढ़ से सबसे टॉप में रहेगा या सीट महेंद्रगढ़ के न्यू गाऊंगा आखिर भाई महेंद्रगढ़ तो संदीप इतना वोटा थे जीत तो मार्गन यो ख्याल है। पहले का हमें 700 वोट दिया था, इनका मारा 1400 वोट बोलूँ से 1000 वोट एक तरफा न्यू का न्यू जाऊंगा। एक तरफा माहौल बना दिया। हाँ, एक तरफा ही पाओगा, एक तरफा एक डाड़ो तुम्हें खूब न्यूज देख लियो, एक तरफा 1000 वोट मारा। 8 तारीख को पता चले? हाँ, 8 तारीख ने खूब पता देख लियो। ये तो संदीप ने जो पहले बना के ना, जब खुद ने कह दी के डाड़ो तो वोट पूरे हैं मेरे, पूरे कोई वोट की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। कलड़ी पर कमी नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ा, डबल है महेंद्रगढ़ परिवार ने उनको टिकट दिया है और वो मतलब जो सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेंगे महेंद्रगढ़ से। संदीप सिंह जी एक बार फिर मौजूद है, अभी जो है गांव के लोगों के द्वारा केलों से जो इनको तोला गया है। संदीप सिंह जी, केलों से तोला गया आपको, इतना मान सम्मान मिला और हर गांव में जा रहे वहीं ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है इस बार जनता बिल्कुल मन बना चुकी है? हम अक्सर पूछते हैं जहां भी आप जाते हैं, जिस गांव में हम आपके साथ मौजूद रहते हैं, जनता का क्या मन है? नब्ज टटोल रहे हैं, मन टटोल रहे हैं, क्या कह रही है जनता? देखिए प्रिंसिप, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, आप हमारे जो प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो आप भी लोगों की बातें सुन के भावुक हो जाते हैं, क्योंकि ये क्षण ये पल मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है सबसे, ये पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट है, क्योंकि ये कमाया गया है सब कुछ, ये अपने खुद को हमने दीवे की तरह जलाया है जब जाके हमने महेंद्र में रोशनी की है, और हमारे परिवार ने फैसला कर लिया है इस दीवे की रोशनी को सूर्य की रोशनी में चेंज करने जा रहे हैं। संदीप सिंह जी, नेता टिकट कटने के बाद रो रहे हैं, आपने टिकटें सारी छोड़ दी, हाथ में आई। बिल्कुल, यही तो डिफरेंस है मतलब पॉलिटिशियंस में और लीडर में। वो पॉलिटिशियन थे इसे रो रहे हैं, वो हम लीडर हैं तो हमने पब्लिक की बात मानी, हमने पब्लिक ने जो कहा कि हमें जनता की टिकट मिल चुकी है वही हमने सबको कहा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉमिनेशन भरने से 15 मिनट पहले भी बस कॉल आया था टिकट के लिए, नहीं हमने एक ही बात कही, हमें टिकट जनता दे चुकी है। यानी कि लीडर भी हैं, निडर भी हैं, हार जीत मत मायने नहीं रखती, हमें सिर्फ जनता के प्यार की भूख है। जी बिल्कुल, केवल और केवल जनता का प्यार, और हम जीत चुके हैं, जनता का दिल जीत गया तो अब जीत गए, अब सबसे बड़ा तो जनता का दिल जीतना है, और उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर जाके यही तो बात बतानी है ना कि हमने सच्चाई का साथ दिया है, हमने ईमानदारी का साथ दिया है। आज सबने ये तो बोला है, हमने सब नहीं कि ऊपर वाले को साक्षी मान के, धरती माता को साक्षी मान के कि हम सब सच्चाई ईमानदारी का साथ देंगे। मैं वाकई में ढाडोद गांव को मैं आत्मा से दिल से और अपने पूरे तह मतलब सब कुछ चीज़ें लगा के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रसाद का। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। युवा साथी हैं, युवाओं का मन कहाँ है?
सर हम संदीप सर के साथ हैं, पिछली बार साथ थे संदीप सर के, आप किस बार भी और आगे भी रहेंगे। 700 वोट आए थे, इस बार क्या लग रहा सर? अभी की बार जी एक तरफा माहौल ढाड़ से 1500 वोट प्लस संदीप सर के 1500 वोट। यस सर। क्यों जी? सर जी चार पे दिखा गए, ये दो नेता चार पे दिखा गए हमारी, एक मतलब सूर्य की किरण अब पड़ी है, नजर आई है हम तो, और हमारा गांव और हमारा इलाका यानी चारों तरफ के गांव संदीप के साथ एक तरफा खड़े हैं, और एक को तो कानून ने टेक दिया, एक को हम टेकेंगे, और सच्चाई की जीत है वो मज में लिया के दिखाएंगे। मंदरेड़ की जीत होगी ना, हो कहीं ऐसा ना हो ये चुनाव के लास्ट तक मन तो नहीं बदल जाएगा? नहीं, 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 नहीं। क्या बात करते हो, मन कैसे बदलेगा? हमारी चार पिटी खा गए, बदलने वाले भी नहीं बदले, उनके रहे वो मतलब बदल गए, लेकिन हमारे नहीं बदले। आज मतलब हार गए हम, इसलिए बदल रहे हैं, और सच्चाई के साथ आज आम आदमी तंग आकर संदीप जी के साथ क्यों खड़ा हो, क्योंकि सच्चाई के साथ एक यही इंसान और यही किरण दिखाई दे रही है जी। इसलिए हम सब साथ हैं, और हमारा डाड़ उद्गम एक तरफा तलियाडा मतलब संदीप जी के साथ है। साथ क्यों जी, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे संदीप सिंह SDM विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीड करके विधानसभा में जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये डिप्टी CM बनेंगे, इनके बिना सरकार नहीं बन सकती, ये भी हमारा वादा है। अब विधायक की बात नहीं, सीधा डिप्टी CM मंत्री मिनिस्टर पे बात जा चुकी है। देखिए जनता का प्यार ही तो है, जनता ही बता रही है, क्योंकि हम तो अपने मुँह से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, हमारा जनता के जो मन में है वो जनता उजागर कर रही है आपके सामने। कहाँ से? क्या नाम है? सतपाल नाम है। सतपाल भाई क्या कहोगे, ये जो माहौल देख रहे हो, आज पूरा गांव झुका हुआ था संदीप सिंह के लिए। संदीप जीतेगा सब को, और किसी पहले मन बनाए बैठे हो संदीप जीतेगा, अभी तो और नेता आपके बीच में आए जीते थे, यहाँ से पिछली बार भी जीत के गए थे, अब की बार भी जीतेंगे। अभी तो और नेता आए नहीं आपके बीच में, उनसे आप मिले ही नहीं, आएंगे ही नहीं, आने देंगे नहीं गांव में, कुछ कराया ही नहीं है उनको, चोरों दे की छक लिया जी। महेंद्रगढ़ से हरियाणा के अंदर ये कहा देंगे कि संदीप सिंह SDM सबसे टॉप में जीते। अब ये करे कि विधायक की बात नहीं, अब तो मंत्री उप मुख्यमंत्री की बात है। हमें ने तो चाहिए सिर्फ संदीप, ईमानदार आदमी से हम घर घर जा कर के या अपने रिश्तेदारियों में जा कर के हम संदीप की ही सपोर्ट करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, और महेंद्रगढ़ की टॉप में सीट काटेंगे। जय जी। क्या नाम है जी? राजेश जी। राजेश जी क्या कहोगे, क्या लग रहा है इस बार? आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। क्यों बाबा? अपना तो पूरा मनते हैं, बुझाओ जी के न क्या लग दिए थे जो हाँ मरी थी वो आके पर पूरे उतरे हैं, और ऊपर देख पीपल है और पीपल देव तारे राम, तो इसके नित्य कर हम तो पुरखब के पहले कह दी थी आदमी कह दी, एक ही बात है जी। 1 लाख पार सबका सपना होगा साकार, यही जनता का है प्यार। ये देखिए साखियां बना बना के ला रहे आपके लिए लोग, इससे ज्यादा प्यार अब क्या मिलेगा किसी नेता को? ये तो वैसे ही जो है अपने आप को जीता मान रहे हैं, चुनावी राज जो राजनीतिक हार जीत है वो मायने नहीं रखती। संदीप सिंह कहते हैं कि हम उससे ऊपर जा चुके हैं, हमारा परिवार अब उससे ऊपर जा चुका है, हमें जो है इतनी राजनीति की भूख नहीं है, हमें सिर्फ जनता के प्यार की, अपने परिवार के प्यार की भूख है, और उसी के लिए जो हम लोगों के बीच अक्सर बने रहते हैं हर सुख दुख में। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और लगातार 50 ईयर से लगातार चल रहा है, और 24 ईयर से हमारा जो चल रहा है सिस्टम, ये प्यार अपनापन निस्वार्थ, सबको पता है हमारे परिवार का कुछ नहीं चाहिए संदीप सिंह को, केवल और केवल हमें अपने परिवार का प्यार है जो हमें मिल रहा है लगातार। अब की बार जनता की सरकार, जनता की सरकार, अब की बार जनता की सरकार जी। तो ये ढाड़ोद गांव में हम मौजूद थे, हमारे साथ संदीप सिंह SDM और इनका पूरा परिवार पूरा कुनबा हमारे साथ मौजूद था, खास बातचीत की, ढाड़ोद का पूरा माहौल दिखाया किस तरीके से जो आज संदीप सिंह का एक तरफा माहौल इस गांव में बना हुआ है। पिछले चुनाव में भी संदीप सिंह एक तरफा निकले थे, और इस बार कहते कि पिछली बार से भी ज़्यादा वोट यहां से संदीप सिंह को मिलने वाले हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ हूँ प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।